कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ मेडिसिन, जहां आपको मिलती है मेडिसिन के बारे में कंप्लीट एंड राइट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक महिलाओं के लिए बिल्कुल स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेशली महिलाओं के बारे में। तो जो महिलाओं में आपने कई बार देखा होगा कि उनके जननांगों में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, या इचिंग होने लगती है, रैसेस हो जाते हैं, दाने निकल आते हैं, या फिर रेडनेस आ जाती है। तो ये किस वजह से होती है, क्या रीज़न होते हैं इसके, और क्या इसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए इस कंडीशन में, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लोट्रिमाजोल वेजाइनल जेल के बारे में। ये क्या होता है, ये एक जेल होता है, या इसको क्रीम भी आप बोल सकते हैं। क्लोट्रिमाजोल जो होती है, ये एक एजोल क्लास की एंटी फंगल ड्रग होती है। ये आप ईस्ट इन्फेक्शन या फिर किसी भी टाइप का फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हम जब बात करेंगे महिलाओं के लिए, तो आपने कई बार सुना होगा कि कई महिलाओं में वेजाइना में या जिन्नांगों में क्या है, रेडनेस हो जाती है, दाने निकल आते हैं, वो किसी से बताने में भी हिचकिचाती हैं। तो कई बार ये प्रॉब्लम काफ़ी समय तक हो जाने की वजह से उनको कई गंभीर बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको ये मैं जानकारी दे रही हूँ कि अगर किसी भी महिला को वेजाइना में रेडनेस हो या फिर शारीरिक संबंध बनाते समय दर्द हो रहा है, तो आप इसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। आप अपने डॉक्टर से सलाह ले करके इसका तुरंत ट्रीटमेंट करें। तो ये जो मैं आज बात कर रही हूँ क्लोट्रिमाजोल जेल के बारे में, ये इसी में यूज़ किया जाता है। अगर कोई स्वेलिंग आ गई है, जन्नांगों में स्वेलिंग है, रेडनेस है, इचिंग है, खुजली हो रही है, या फिर वाइट डिस्चार्ज भी आपको देखने को मिल रहा है, तो इन कंडीशन में क्लोट्रिमाजोल बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसको फॉर्म के बारे में बात करें, तो ये मार्केट में क्रीम, जेल या फिर टैबलेट फॉर्म में भी मिल जाएगा। बट कैसे इसको अप्लीकेबल करना रहता है, कैसे अप्लाई करते हैं, ये आपको अपने डॉक्टर्स की सलाह पे ही करना चाहिए। अब ये अगर अप्लीकेबल की बात करें, तो इसमें एक आपको जो क्रीम मिलेगी, आप इधर देख सकते हैं, इसमें एक साथ में अप्लीकेटर मिलता है। अप्लीकेटर मीन्स कि एक प्लास्टिक नुमा इंजेक्शन टाइप से होता है, तो उसको आप उस ट्यूब के जो क्रीम मिली है उसके माउथ के पास लगा करके उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, उसके अंदर भर के फिर लेट जाना होता है। लेट के आप अपने पैरों को यहाँ पे चेस्ट के पास करके आप उसको उसे जो आपने इंजेक्ट किया है पाइप नुमा एप्लीकेटर में, उसको आप वेजाइना में इंसर्ट करिए, जिससे कि, और बाहर भी थोड़ा सा आप अपनी उंगली से भी लगा सकते हैं, जिससे कि जो इन्फेक्शन बाहर हो वो भी पूरी तरह से। बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये जो क्लोट्रिमाजोल होता है, ये फंगस की सिंथेसिस को रोक देता है, इसकी ग्रोथ को रोक देता है। जब इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, तो अपने आप ही फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। अब ये जान लेते हैं कि इसको यूज़ करने से पहले क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो जब ये आप क्रीम को यूज़ करें, तो आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो ये एक पार्टनर से दूसरे में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। या फिर जो पीरियड के दौरान, ड्यूरिंग पीरियड भी आपको इसको यूज़ ना करें तो ही बेहतर रहेगा, इसको अवॉइड करना चाहिए उस टाइम। तो ये जो क्लोट्रिमाजोल जेल होता है, इसको अप्लाई करने से पहले आपको अपने हैंड को अच्छे से साबुन से वॉश कर लेना चाहिए, या आप हैंड वॉश कर सकते हैं। उसके बाद में आप इसको अप्लीकेटर में भरिए, और आप जननांगों को भी वॉश कर सकते हैं, या फिर वेजाइनल वॉश जो आते हैं, वी वॉश है, उसे वॉश करके देन आप इसको अप्लाई करिए, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा गया है। और अब बात करते हैं इसको कितने समय तक लेना चाहिए। तो ये आपकी कंडीशन कितनी ख़राब है, कितना इन्फेक्शन बढ़ चुका है, उसकी सीवियरिटी पर देखा जाता है। बट फिर भी आप हफ्ते, एक हफ्ते से लेकर के 10 दिन या 15 दिन तक भी कंटिन्यू इसको कर सकते हैं। अगर इससे सिर्फ इसी से आराम नहीं मिलता है पूरी तरह से, तो डॉक्टर के द्वारा आपको कुछ एडिशनल टैबलेट भी दी जाती हैं, या कोई और भी मेडिसिन, वो एंटी फंगल मेडिसिन भी दी जा सकती है। तो ये आपको पूरी बात अपने डॉक्टर को बताना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ये इसकी मार्केट प्राइस क्या रहती है, कितने मार्केट में मुझे कितने रुपए में मिल जाएगी। तो ये क्रीम 30 ग्राम और 60 ग्राम की पैकेजिंग में आपको मिलेगी, और लगभग इसका जो 30 ग्राम की होती है वो 100 रुपीज़ के आसपास आपको मिल जाएगी।
बट ये ब्रांड टू ब्रांड आपका एमआरपी या मार्केट प्राइस वेरी कर सकता है। अभी जैसे एक नॉर्मल बहुत ही ज़्यादा जो प्रचलन में है मेडिसिन वो ग्लेनमार्क की है, एक कैंडिड वीजल, कैंडिड नाम से आता है, क्लोटिमाजोल ही उसमें होगा 2% वेट बाई वेट। तो आप इसी ब्रांड नेम से, ये मेन ब्रांड नेम है कैंडिड, तो कैंडिड के नाम के अलावा भी दूसरे भी ब्रांड नेम से आपको मिल सकता है, बट आपको ये देखना रहेगा कि उसमें क्लोटिमाजोल 2% होना चाहिए, तो दूसरे भी नाम से आप ले सकते हैं। अब इसको स्टोरेज कितने डिग्री सेल्सियस पे करना चाहिए, तो इसको स्टोर करने के लिए बिलो द 30 डिग्री सेल्सियस आप स्टोर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे इसको नहीं रखना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि इसको यूज़ करने के बाद में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं आपको। तो फिलहाल तो ये सेफ़ ड्रग होती है, बहुत ज़्यादा कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे गए हैं, बट फिर भी जिस वजह से आप यूज़ कर रहे हैं कि रेडनेस हो रही है, ईचिंग हो रही है, तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट में भी कई बार देखने को मिल जाता है कि आपको लगाने के बाद भी इरिटेशन हो सकती है, या फिर रैसेस टाइप से हो सकते हैं, या फिर पील स्किन, मतलब आपकी ये लगेगा कि स्किन निकल रही हो, इस टाइप की भी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो ये थी जानकारी क्लोटिमाजोल जेल के बारे में, आई होप आपको पसंद आई होगी। और ये स्किन क्रीम भी, क्लोटिमाजोल स्किन क्रीम भी आती है, अगर आप उसके बारे में भी चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप कॉमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उसके बारे में भी बताऊँगी आपको। तो आई होप मेरा आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सेफ रहें, स्वस्थ रहें, थैंक यू।